हेलो दोस्तों, मेरे चैनल माइंड मास्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट रूल ऑफ चेस, यानी शतरंज के कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चेस के नियम सीखने से पहले आपको चेस का बेसिक आना ज़रूरी है, जिस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। तो जिसको बेसिक क्लियर नहीं है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैसलिंग के बारे में, कि कैसलिंग क्या होती है, कैसे की जाती है व इसके बेनिफिट क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसलिंग हमेशा राजा यानी किंग व रुक यानी हाथी के मध्य होती है। कैसलिंग करते समय राजा हमेशा 2 कदम चलता है व हाथी जस्ट इसके बगल में आ जाता है। कैसलिंग करने के लिए 4 आवश्यक शर्तों का होना अनिवार्य है। पहली, कि कैसलिंग करते समय राजा व हाथी की चेस बोर्ड में फर्स्ट चाल होनी चाहिए, यानी राजा व हाथी ने इससे पहले अपना घर ना छोड़ा हो। दूसरी, राजा व हाथी के मध्य कोई अन्य मोहरा नहीं होना चाहिए। तीसरी, जिस घर में राजा कैसलिंग करके जाता है उस घर में किसी अन्य मोहरे की चेक नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी कैसलिंग संभव हो सकती है। वह चौथी एंड लास्ट शर्त, कि कैसलिंग करते समय सबसे पहले हमें राजा को टच करना चाहिए, फिर हमें हाथी को टच करना चाहिए। यदि हम पहले हाथी को टच करते हैं तो हमारा टच एंड मूव का रोल लग जाता है, जिससे हम हाथी को चलने में बाध्य हो जाते हैं और हमारी कैसलिंग पूर्णतः संभव नहीं होती है। दोस्तों, कैसलिंग हमेशा टीम की स्थिति को देखकर करनी चाहिए, जिससे कि राजा सेफ जोन में एंटर कर ले व हाथी राजा के बगल में आकर टीम की स्थिति को मजबूत कर दे। अब हम बात करेंगे टच एंड मूव रूल की। तो दोस्तों, टच एंड मूव रूल के तहत यदि हमारी चाल के अंतर्गत हम किसी मोहरे को टच कर देते हैं और उसे चलते नहीं हैं, तो सामने वाली टीम का प्लेयर हमें उस मोहरे को चलने में बाध्य कर सकता है। तो हमें कोई भी चाल चलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं ड्रा के बारे में, कि खेल कब कब ड्रा हो सकता है। दोस्तों, चेस का गेम 3 कंडीशन में ड्रा हो सकता है। पहली, जब राजा को चेक ना लगी हो और राजा के पास कोई चाल ना बची हो, जैसा कि आप देख सकते हैं अब राजा को कोई चेक नहीं है, लेकिन अब राजा चल नहीं सकता, ना ही राजा के पास कोई और चाल है, ना ही कोई अन्य मोहरा चल सकता है, तो इस स्थिति में गेम को ड्रा बोला जा सकता है। दूसरी, जब कोई भी चाल किसी भी टीम द्वारा 3 बार समान रूप से चली जाए तो उस स्थिति में खेल को ड्रा घोषित कर दिया जाता है। तीसरी, जब दोनों टीम के पास कोई ऐसा मोहरा ही ना बचा हो जिससे राजा को चेकमेट किया जा सके, यानी जैसे एक घोड़ा या फिर एक ऊंट हो तो जिससे राजा चेकमेट नहीं किया जा सकता, तो उस स्थिति में दोनों प्लेयर्स की सहमति से खेल को ड्रा घोषित कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि चेस में हार कब कब होती है। तो दोस्तों, सामान्यतया जब किसी राजा को चेक लगी हुई हो और उसके पास कोई बचने का ऑप्शन ना हो तो उसकी हार हो जाती है, लेकिन जब किसी प्लेयर को ऐसा लगने लगे कि वो 100% हारने वाला है तो वो खेल खत्म होने से पहले भी अपनी हार मानकर खेल रोक सकता है। लेकिन कई बार जब खेल किसी अच्छे लेवल पर खेला जाता है, टूर्नामेंट में खेला जाता है, तो उसमें टाइमर भी लगाया जाता है, जिसमें किसी निश्चित निश्चित टाइम को फिक्स किया जाता है। और मान लो कि किस खेल में कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, खेल नॉर्मली चल रहा है, तो जिसका टाइम सबसे पहले समाप्त होता है उसकी हार स्वतः ही मान ली जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको चेस के कुछ बेसिक रूल बता देता हूँ। चेस सदैव एक ही हाथ से खेलनी चाहिए, बार बार हाथ चेंज नहीं किया जा सकता। चेस की सारी चालें एक ही हाथ से चली जा सकती है। और दोस्तों, दोनों राजा आपस में कभी पास में नहीं आ सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो एक दूसरे की चेक लगती है और दोनों को एक ही चाल में चेक बचाना संभव नहीं होता, इसलिए राजा हमेशा कभी पास नहीं आ सकते। और पूरी टीम में प्योन यानी प्यादा सिपाही एक ऐसा मोहरा होता है जो अंतिम 8वें घर में पहुंचकर नाइट, बिशप, रुक या क्वीन में से कोई भी बन सकता है, और सामान्यतया क्वीन ही बनाई जाती है क्योंकि क्वीन सबसे पावरफुल होती है। और एक टीम में अधिकतम 9 क्वीन हो सकती है। 8 प्योन 8ों घर में पहुंचकर 8 क्वीन बना सकती हैं और एक टीम में होती है, इसलिए 9 क्वीन अधिकतम हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, लाइक व शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का लाभ उठा सकें। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।